नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन की क्षण। मेरे कारण दूसरों का भला हुआ यह सोचना मूर्खता है। हमारे बिना संसार का कोई काम अटका न रहेगा। हमारे पैदा होने से पहले संसार का सब काम ठीक ठीक चल रहा था और हमारे बाद भी वैसा चलता रहेगा। परमात्मा उतना करीब नहीं है कि हमारी मदद के बिना सृष्टि का काम न चला सके। वाह, यह पथकतावादी न बने, व्यक्तिगत बड़पन के फेर में न पड़े, अपनी अलग से प्रतिभा चमकाने का झंझट मोल न ले, समूह के अंग बनकर रहे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देखे और सबके सुख में अपना सुख खोजे, यह मानकर चले कि उपलब्ध प्रतिभा संपदा एवं गरिमा समाज का अनुदान है और उसका श्रेष्ठतम उपयोग समाज को सजनता पूर्वक लौटा देने में ही है। गिरे हुआ को उठाना, पिछड़े हुए तो आगे बढ़ाना, भूले तो राह बताना और जो अशांत हो रहा है उसके शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना, यह वस्तुत ईश्वर की सेवा ही है। जब हम दुख और दरिद्र का देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं, तो समझना चाहिए एक कृत्य ईश्वर के लिए उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आत्म चिंतन के क्षण। विपत्ति मनुष्य की शिक्षा देने आती है। उससे हृदय में जो पीड़ा आकुलता और छटपटाहट होती है उसके चाहे तो अपना सद्ज्ञान जागृत कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस साहस और सहनशीलता की आवश्यकता होती है, दुख उसकी कसौटी मात्र है। विपत्तियों की तुलना पर जो सहन शक्तियों को तोड़ते रहते हैं वही अंत में विजयी होते हैं। उन्हीं को इस संसार में कोई सफलता प्राप्त होती है। अपने सुख दुख उन्नति अवनति कल्याण अकल्याण स्वर्ग और नरक का कारण मनुष्य स्वयं है। फिर दुख या आपत्ति के समय भाग्य के नाम पर संतोष कर लेना और भावी सुधार के प्रति अकर्मण्य बन जाना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति आने पर तो हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हमसे जरूर कोई भूल हुई है और उस पर पश्चाताप करना चाहिए। महानता मनुष्य के अंदर छिपी हुई है और व्यक्ति होने का रास्ता ढूंढती है, पर सांसारिक कामनाओं में ग्रस्त मनुष्य उस आत्मा प्रेरणा को भुला देना चाहता है, टुकराए रखना चाहता है। अपमानित आत्माओं चुपचाप शरीर के भीतर सुप्त पड़ी रहती है और मनुष्य केवल विटंबनाओं के प्रचंड में ही पड़ा रह जाता है। मनुष्य सुख की पुण्य फल की इच्छा तो करता है किंतु पुण्य अर्जित नहीं करता है। पाप के दुष्परिणाम से डरता है किंतु इतना पूर्वक करता दुष्ट कर्म ही है। ऐसी स्थिति रहते हुए भला किसी को सुख मिल सकता है? आम का फल आम होता है, बबूल नहीं। इसलिए सुख वही प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रवृत्तियां भी सन्मार्गी गामी होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।